फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन देखेंगे कि विंडोज़ जो ऑटोमेटिक विंडोज़ अपडेट है उसको डिसेबल कैसे करेंगे। तो सिंपली सबसे पहले अपन को सर्च बार में जाना है एंड इसमें सर्च करना है कंट्रोल पैनल। जैसे ही सिंपली कंट्रोल पैनल में आते ही कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपके ये इस साइज़ में रहेगा तो अपन को इसको लार्ज आइकन्स में कन्वर्ट करना है। जैसे लार्ज आइकन में करने में एडमिनिस्ट्रेशन टूल आएगा उसको ओपन कर लेना है एंड इसमें सर्विसेज, जो सर्विसेज हैं इस पर जाना है। जैसे ही सर्विसेज ओपन होगी इसमें किसी भी आइकन पर क्लिक कर आपको W बटन प्रेस करना है एंड आप इस प्रकार पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर आपको विंडोज़ अपडेट दिखेगा वो सर्च करना है। जैसे ये नीचे नीचे है विंडोज़, नीचे नीचे ये मिल जाएगा विंडोज़ अपडेट। ये आपका क्या एन मैनुअल रहेगा, इसको आपको डिसेबल कर देना है। डिसेबल कर देंगे, अप्लाई करेंगे और सिंपली ओके कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका जो ऑटोमेटिक विंडोज़ वाला ऑप्शन बंद हो जाएगा एंड इससे जो आपका अनयूजुअली डाटा ख़त्म होता है वो रुक जाएगा।